खुदा मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए। आमतौर पर लोग क्या समझते हैं, वहां से बात गई। पहला कलीमा, अव्वल कलीमा, जानते नहीं जानते आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं, डरो न, को पूछता नहीं। कहां हजरत अंगली का इशारा कर डालते हैं कि खड़ को पढ़ो बोलकर, कहां बोला होते हैं कि ये मुसीबत नक्को बा, आइंदा जुम्मे से सबकी मस्जिद को गए तो भी मुजम्मिल साहब की मस्जिद को जाना नहीं बा। सिको बा सिको, इस बात का यकीन है, ईमान है, मरना है मरना है मरना है, और ये भी हमारे ईमान में दाखिल है। आखा को चेहरा दिखाना है, अल्लाह के दरबार में हाजिर होना है, ये दुनिया है, हिजाबात है, मरने के बाद कोई हिजाब नहीं है, आखा के दरबार में हाजिरी होगी, आखा को चेहरा दिखाना है, तो हम क्या मुंह लेकर आखा के दरबार में जाएंगे? कुछ तो सोचो, सोचो कुछ तो, कुछ तो सोचो। इसीलिए मैं आजकल, मेरे बड़ों ने मुझे हुक्म लगाया है इन बातों पर ज्यादा तवज्जो दो। मुजम्मिल तो मैं हर जगह इस फिक्र को पेश कर रहा हूं, मसाजिद के अंदर दर्स के हलके लगाओ। इमाम साहब का एक हलका, नायब इमाम का एक हलका, मुअज्जिन साहब का एक हलका, नायब मुअज्जिन साहब का एक हलका, मस्जिद में दर्स के हलके हो, जब चाहे जो चाहे मस्जिद में दाखिल हो और हलकों में बैठकर पांच पांच मिनट ही सही इल्म दीन हासिल करते रहो। लेकिन शर्त यह है कि काली सुनकर इमामा को बिठाने को तनख्वाह में इजाफा भी करो, माना पूरे इमाम साहब मेरे ऊपर फातिहा पढ़ना। मुजम्मिल साहब बोले हम ना कमेटी से नया कानून पढ़ा, अब जोहर से असर तक हमें फ्री थे, कानून पढ़ा, अब सदर साहब बोले तुम्हें जोहर से असर तक बैठना जी, अब उनको बिठा भी दिया गया, तनखे में इजाफा भी नहीं, तो ये बहुत बड़ा जुल्म है, जुल्म, जुल्म है, जुल्म। इमामों को, मौजिनों को अच्छे से अच्छी तनख्वाह दो, बात पे बात आ रही है। इसी बेंगलोर के अंदर एक चप्पल की दुकान है, जहां पर मुल्क के एक बहुत बड़े मदरसे का फारिग, जो 13 साल तक एक मस्जिद में इमामत करता था, कमेटी के जुल्म से मजबूर होकर इस्तीफा दिया, आज चप्पल की दुकान में काम कर रहा है। फिर ये उम्मत पर अल्लाह की रहमत कैसे नाजिल होगी, हमारे अपने मसाइल कैसे हल होंगे? किसी और शहर और रियासत की बात नहीं कर रहा, इसी शहर के अंदर, इसी शहर के अंदर, इसी शहर के अंदर 10-12 साल इमामत करने वाला इमाम कमेटी के जुल्म से मजबूर होकर आज चप्पल की दुकान में काम कर रहा है। फिर कभी इंशाअल्लाह ताला इसका ऑपरेशन करूंगा, लेकिन हलके होना चाहिए मस्जिदों में, जिसे जब वक्त मिला वो आए, 5-10 मिनट इल्म हासिल करते हुए जाए। कलमे और कलीमे की हकीकत और तशरीह मालूम करो, ईमान के बुनियादी मसाइल मालूम करो,
फिर दुनिया का कोई फितना तुम्हें टच तक नहीं करेगा इंशाअल्लाह।